प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर चला बुलडोजर। जी हां, आपको बता दें, प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए दंगे की जांच में पाए गए मास्टरमाइंड जावेद अहमद का आलीशान घर जमीन दोष कर दिया गया है। इसके लिए रविवार को दिन भर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर की कार्यवाही की गई। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जावेद अहमद के वकील ने मामले को कोर्ट में ले जाने की जानकारी दी है। जावेद अहमद के वकील के राय ने ANI से कहा है कि हमने इलाहाबाद SC में याचिका दायर की है कि जिला विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर जावेद अहमद का नहीं बल्कि कार्यकर्ता प्रवीण फातिमा का था। इसे अवैध रूप से गिराया गया था। हम मामले को SC तक ले जाएंगे। अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए और घर बनाना चाहिए। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर रविवार को बुलडोजर चला। मौके पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। जब अधिकारी जावेद के मकान में गए तो अंदर से PFI के झंडे और आपत्तिजनक साहित्य भी मिले। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। उसके मकान के अवैध हिस्सों का ध्वस्तीकरण किया गया। इस दौरान जब अधिकारी जावेद के मकान में गए तो अंदर से PFI के झंडे और आपत्तिजनक साहित्य भी मिले। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।